ये राज भी ना बिल्कुल सुनता नहीं है। शादी करके सचमुच जिंदगी खराब हो गई। सिद्धार्थ, अलार्म बंद करो बेटा। सब सत्यानाश करके रखा हुआ है। कुछ नहीं करता ये लड़का, बिल्कुल अपने पापा की तरह होता जा रहा है। सेठ, अलार्म बंद करो। हे भगवान, चिल्ला रही हो सुबह सुबह? राज, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? सेट रूम में नहीं है। अरे कहीं गया होगा बाहर खेलने। नहीं। क्या है ये? ये देखिए, सेट के रूम से मिला है। ये क्या कर रहा है ये? डियर मम्मी पापा, जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक बिना बताए कहां चला गया। चिंता मत करिए, जहां कहीं भी हूं ठीक हूं। इससे पहले कि आप दोनों अपने आप को मेरे जाने के सवालों से परेशान करें, मैं ही आप दोनों को बता देता हूं कि मैंने घर से जाने का फैसला क्यों किया। मेरी हजारों फरमाइशों को क्या आपने पूरा नहीं किया? फरमाइशें क्या, आप लोगों ने तो मेरी हर जिद भी पूरी की। पापा, मुझे आज भी याद है कैसे आपने खुद के लिए नई घड़ी खरीदने के लिए बचाए हुए पैसे मेरा नया फोन लेने में खर्च कर दिए थे, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास स्मार्टफोन थे। क्या आप लोगों ने मुझे अच्छे से बड़ा नहीं किया? बहुत अच्छे से किया। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आप दोनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। फिर मैंने आज घर से जाने का फैसला क्यों किया? मम्मी पापा, आप दोनों से मुझे भरपूर प्यार मिला, पर वो प्यार कहीं खो सा गया है। इसके बिना मुझे बहुत अधूरा सा लगता है, खाली सा लगता है। घर में रहता था तो घर घर जैसा नहीं लगता था। आप लोगों के साथ बाहर खाना खाने बैठता था तो रोटी का एक टुकड़ा गले से नीचे नहीं उतरता था। कभी आप दोनों के साथ बाहर जाने का सोचता था तो आप दोनों के बीच के तनाव को देख के सहम जाता। हाँ मम्मी पापा, आप दोनों के बीच की ये दूरियां, यह हर रोज की लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को हर पल ताने मारते रहना, इन सब के बीच शायद आप ये भूल गए कि उस घरेलू तनाव की चक्की में आप दोनों के साथ मैं भी पिसता जा रहा हूं। आप दोनों ने मुझे इतने प्यार से, इतने दुलार से बड़ा किया, फिर आज मुझे यूं अकेला कैसे छोड़ दिया? मम्मी आपको याद है उस दिन जब मैं आपके पास ट्रॉफी लेकर आया था, तब आपने मुझसे क्या कहा था? बेटा यहां से जाओ, मैं पापा से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ। और तब आप दोनों लड़ाई कर रहे थे। क्या सच में ये लड़ाइयाँ मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं? पापा, उस दिन जब आप मम्मी से गुस्सा होकर घर नहीं आ रहे थे और मैंने आपको कॉल किया और पूछा आप कब आ रहे हो,
तब आपने मुझसे क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है मेरे घर आने से? क्या सच में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, ढेर सारी शिकायतें हैं, पर मैं आप दोनों से नफरत नहीं करता। उतना ही प्यार करता हूं जितना कल करता था, और हमेशा करता रहूंगा। दुख है तो इस बात का, आप दोनों के बीच होते झगड़ों ने मुझे कभी अपनी शिकायतें करने का मौका ही नहीं दिया, ना ही कभी आप दोनों की लड़ाइयां सुलझाने का। आप दोनों के ये झगड़े मुझसे और नहीं देखे जाते। आप दोनों का लड़ना, एक दूसरे को कोसना मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप दोनों लड़ते हैं, इसलिए मैं यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। मैं अब उस दिन लौटूंगा जिस दिन आप लड़ना बंद करते हैं, जिस दिन आप वापस मेरे वो मम्मी पापा बन जाए जो सिर्फ प्यार जानते हैं।